स्पेशल ऑब्जेक्टिव वीडियो का ये डे 8 है और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि साइन ए, यदि हम लोग पास में क्या दिया हुआ है, साइन ए 3/4 है तो कॉस ए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन ए का फॉर्मूला ये बी पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू कितना है 4 है। तो पहले तो हम लोग को बी का वैल्यू निकालना होगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब एच का वैल्यू तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करने पे 16 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर, पी की जगह हम 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बी का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे तो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, बाकी दोनों को 9 को अगर इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर, तो घटाने पर कितना मिलेगा 7, तो 7 मिलेगा, तो अंडर रूट 7 बी का वैल्यू हो गया, तो बी का वैल्यू मिल चुका है। अब कोस का वैल्यू निकाल लेंगे, कोस ए इक्वल टू कितना होता है बी बाई एच, एच की जगह हम 4 और बी का वैल्यू अभी निकालते हैं अंडर रूट 7, तो ये आंसर होगा, ठीक है, अंडर रूट 7/4 ये आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, तो कोस किसका 0 डिग्री होता है मान, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ से कोस कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बच जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री। तो यहाँ से चाहेंगे तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है, और अभी हम लोग बताए थे कि अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, अब माइनस बीटा पहले से, तो 90 डिग्री माइनस 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस बीटा दो बार जोड़ेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और कोस की जगह हम 2 बीटा है, तो कोस 2 बीटा आंसर नंबर 4 हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि अगर हम लोग पास में क्या दिया हो 10 65 माइनस 4 25 का मान निकालना है, तो 10 को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, 10 की जगह हम लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 4 25 में जो 25 है ना वो लिख देते हैं। तो अगर हम लोग 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा, यानी कि 10 65 ही है, बस इसको दूसरे तरीके से लिख दिए -cot 25 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और थीटा की जगह हम 25 है तो कोट 25 हो जाएगा, माइनस पीछे भी है कोट 25 में से कोट 25 घटा लेंगे कितना बचेगा 0, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा 0। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हम लोग पास में कि पी क्यू आर जिसका कोण समकोण है, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसको बाद में नेक्स्ट वीडियोज में जो भी क्वेश्चन छूट रहा है उसको एक साथ बता देंगे। क्वेश्चन है एक स्तंभ में छाया की लंबाई दिया हुआ है ना, कोई एक स्तंभ मान लेते हैं, स्तंभ मतलब पोल, एक पोल है ऐसा, इसकी छाया की लंबाई कितना है, इसकी जो छाया बनेगी ना वो ऊंचाई से 3 गुना है, ऊंचाई एच मान लेंगे तो ये हो जाएगा एच √1 हो जाएगा ये इसका, ठीक है। तो इसको ये मिला देंगे या 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग सूर्य का उन्यन कोण बताना है कि यहाँ से ऊपर देखने पे सूर्य का उन्यन कोण क्या बनेगा, ये वाला एंगल थीटा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग पी का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया है तो उसी से बनाएंगे। हम लोग टेन का फॉर्मूला में क्या होता है 10 थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, और पी की जगह हम कितना है एच, और बी की जगह हम कितना है एच और 1/√3, तो यहाँ से एच से एच कट गया तो कितना बचा 10 थीटा इज इक्वल टू 1, और नीचे में 1 के नीचे 1 होगा, नीचे में क्या है 1/√3। अब इसको पलट लेंगे, ठीक है, तो पलटने पे क्या आएगा सिर्फ √3 आएगा, 10 में √3 किसका वैल्यू होता है तो 10 30 डिग्री का होता है, तो 10 30 डिग्री का हो गया, तो 10 से 10 ये कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त होता है ना उसमें असंख्यक ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा एक पॉइंट से ही गुजरता है, एक पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा हो जाएगा, ऐसा ऐसा पॉइंट कितना है सर्कल में बहुत सारे अनेक है, तो हम लोग का टेंजेंट भी कितना बनेगा अनेक बनेगा इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है कि
अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक 5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या का एक वृत्त बना लिए, ठीक है, वृत्त बना लिए, इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर बिंदु पी है ना, इस पर क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया है, रेखा पी क्यू, कहाँ से, पी क्यू, तो पी वहाँ आते हैं, क्यू हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू केंद्र ओ से आने वाली रेखाखंड क्यू पर इस प्रकार मिलती है, बोल रहे पी जो है ना केंद्र से आने वाली ओ से इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है, हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा जहाँ पर मैच कर मिलता है त्रिज्या से वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री हो गया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनस। तो पी की जगह 5 है, एच की जगह 12 है, बी का वैल्यू निकालना है, वही हम लोग का पी क्यू होगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग लगा लेंगे कौन सा फार्मूला, हम लोग लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर निकालना है, एच की जगह हम 12 था, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, पी की जगह हम कितना 5, 5 का 25 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस में 25 बराबर उधर बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर, घटाने पे कितना आएगा 119 आ जाएगा, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर, और स्क्वायर इसको स्क्वायर इसका इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 119, तो बी का वैल्यू क्या बच गया, 119, ठीक है, 119 सेंटीमीटर अंडर रूट में ये आंसर होगा सही हम लोग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम द पॉइंट, ये हिंदी में पढ़ते हैं, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र पर वृत्त पर ए स्पर्श रेखा पी ए पी बी स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो एंगल पी ओ ए के बराबर होगा। बोला एक ना एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक पी ए है, यहाँ से क्या है पी ए है और यहाँ से क्या है पी बी है, ठीक है, अब बोला यहाँ से पी ए पी बी है और ये जो स्पर्श रेखा है एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, हम लोग जानते हैं केंद्र से यहाँ 90 डिग्री बनता है और यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90 हो गया, 9 9 18 180 हो गया, 180 और 80 हो जाएगा 260, तो टोटल हम लोग का एंगल कितना होता है, टोटल चारों कोण को जोड़ेंगे इसको मिला के तो हो जाएगा, ये नहीं मालूम इसको एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है, तो 360 में से 260 घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है, यानी ये बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बीच का एंगल 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रेखा है जो कि इसको इस तरह से बांटेगा, ये इसका नाम ओ है, तो ये बन जाए एंगल पी ओ ए, तो ये वाला एंगल निकालना है इसका हाफ, और हम जानते हैं ये रेखा है इस एंगल को दो बराबर हिस्सा में करता है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए 100 है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 50 डिग्री, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में है कि हम लोग क्या करना है, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक से बराबर है त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं पाई से पाई कट गया, यहाँ एक बार आर है, यहाँ दो बार है तो एक बार कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ आर और इधर बचेगा 2, तो आर का वैल्यू कितना मिल गया 2, यही हम लोग का आंसर होगा, 2 यूनिट्स या 2 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या आर है, कैपिटल आर, ठीक है, और हम लोग पास में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, कौन पी डिग्री है, तो निम्न में से क्या होगा, यानी दो चीज़ चेंज करना है, पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब डिग्री यानी कि थीटा कोण वो क्या रहेगा पी डिग्री, और 360 डिग्री, ठीक है, और पाई और आर की जगह में कैपिटल आर, तो ऐसा तो कहीं भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ देख रहे हैं 4 नंबर में कि यहाँ पर देखिए बस यहाँ 2 है और यहाँ है 720, यहाँ कितना है 720, तो हम लोग देख रहे हैं क्या 360 का डबल कर देंगे तो 720 मिल जाए, मिल जाएगा, और यहाँ ऊपर भी डबल कर दिए नीचे भी डबल कर दिए तो ये वाला मिल जा रहा है, यानी कि यही वाला हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल पर कंटिन्यू डाले जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करके रख लीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और भी लोगों को शेयर करेंगे वीडियो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के इसका अपने एग्जामिनेशन में लाभ उठा पाएँ। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।